चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो आ गए हम एक बार और कम्युनिटी टैब के सवाल के जवाब को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब में एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि सबसे पहला स्क्रीन रीडर कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला स्क्रीन रीडर तो आप काफ़ी सारे यूज़ करते हो, बहुत सारे स्क्रीन रीडर है, गूगल टॉकबैक है, कमेंट्री है, एनवीडिया है, जॉज है, क्या क्या स्क्रीन रीडर आप यूज़ करते हो। आधे से ज़्यादा के वीडियोस हमारे चैनल पे बने हुए मिलेंगे आपको, अगर आपने देखे नहीं अब तक तो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्क्रीन रीडर कौन सा था ये हमने सवाल पूछा था। लगभग 205 लोगों ने वोट दिए अपने कि सबसे पहला स्क्रीन रीडर कौन सा था। तो आप लोगों को ये वीडियो देखते हुए खुशी हो रही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उसका रीज़न आगे आपको पता चलेगा। दोस्तों, इस सवाल में लगभग 205 लोगों ने जवाब दिए। 205 लोगों में से 9% लोग ये कहते हैं कि शाइन प्लस स्क्रीन रीडर ये पहला स्क्रीन रीडर था। 11% लोग ये कहते हैं कि IBM स्क्रीन रीडर ये पहला स्क्रीन रीडर था। 20% लोग ये कहते हैं कि NVDA स्क्रीन रीडर ये पहला स्क्रीन रीडर था। और दोस्तों, 60% लोग ये कहते हैं कि गूगल टॉकबैक ये पहला स्क्रीन रीडर था। अब मुझे खुशी क्यों हो रही है वो बताता हूँ। खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि 60% लोग जो है वो एकदम गलत है। इन लोगों को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, उनकी जानकारी में वृद्धि कर रहा हूँ। जो 20% लोग हैं जिन्होंने NVDA कहा है वो लोग भी गलत है, यानी कि 60% लोग गूगल टॉकबैक वाले भी गलत है, पहला स्क्रीन रीडर गूगल टॉकबैक नहीं था। 20% लोग जो NVDA को कहते हैं वो भी गलत है। 9% लोग जो शाइन प्लस के साथ है वो भी गलत है। दोस्तों, 11% लोग जो है वो एकदम करेक्ट है। जो पहला स्क्रीन रीडर था वो था IBM स्क्रीन रीडर, जिसको 1986 में जिम पैचर के द्वारा बनाया गया था। तो ये जानकारी जो है आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि यार आप स्क्रीन रीडर चलाते हो तो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई इस वीडियो को बनाते हुए। आज का जो सवाल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी टैब में जाइए, सवाल पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि 60% की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए। हम जो स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए। तो ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। मैं था आपका दोस्त जीतूराज, फिर मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो उम्मीद आपसे यही है, वीडियो सभी के साथ आप शेयर जरूर करूंगे।